नमस्कार दोस्तों, रिएजुकेशन एकेडमी के समझ की सीढ़ी प्लेलिस्ट में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम आपके लिए ले आए हैं इस संक्षिप्त वीडियो में आर्थिक गतिविधियों के क्षेत्र की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही व्यवहारिक है, जो आम जीवन में प्रयोग में आने वाली है। तो इसके अंतर्गत पहली जो व्यवस्था है वो है IFSC कोड। यह एक ऐसा कोड है जो भारत में आर्थिक क्षेत्र में, फाइनेंशियल क्षेत्र में काम करने वाले इंस्टीट्यूट और बैंकों के लिए जो प्रयोग में लाई जाती है। भारत में जो भी बैंक हैं बैंकिंग क्षेत्र के लिए काम करने के लिए, उनके पास एक यूनिक नंबर होता है और वह यूनिक नंबर जो है उनकी एक पहचान को सुनिश्चित करता है। और उस कोड को जो उसके लिए प्रयोग में लाया जाता है वो IFSC कोड होता है। IFSC कोड 11 अंकों का अल्फा न्यूमरिक कोड होता है। अल्फा न्यूमरिक का मतलब ये है उसमें अल्फाबेट भी होते हैं और नंबर भी होते हैं, और ये 11 अंकों का कोड होता है। और इस 11 अंकों के कोड के माध्यम से इस बात को स्पष्ट किया जाना और सुनिश्चित किया जाना संभव हो पाता है कि वह किस प्रकार के बैंक के लिए प्रयोग में लाया गया है और उसका स्थान कहाँ पर है, वह बैंक किस राज्य में किस जगह पर स्थित है। तो इस तरीके से IFSC कोड यानी कि इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, इसका पूरा नाम जो है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है। ये फाइनेंशियल सेक्टर में काम करने वाले बैंकों के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला एक यूनिक नंबर होता है और इसके माध्यम से इसकी स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और यह 11 अंकों का अल्फा न्यूमरिक कोड होता है यानी कि अल्फाबेट और नंबर से मिलकर के बना होता है। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी UTR के बारे में है। UTR का पूरा नाम जो है, UTR का पूरा नाम यूनिक ट्रांजेक्शन रेफरेंस नंबर होता है। यूनिक ट्रांजेक्शन रेफरेंस नंबर यानी कि ट्रांजेक्शन करने पर एक विशेष प्रकार का यूनिक नंबर जारी होता है जिसे UTR नंबर कहा जाता है। भारत में इंटरनेट बैंकिंग के क्षेत्र में जहां पर धनराशि को अंतरित किया जाता है यानी कि अमाउंट को ट्रांसफर किया जाता है, व्यवहार में रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट यानी कि RTGS और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर यानी कि NEFT और RTGS ये दो माध्यम सामान्य रूप से प्रचलन में है। खैर, हाल फिलहाल में UPI भी एक व्यवस्था बनाई गई है जिसके माध्यम से ऑनलाइन पेमेंट किया जा रहा है, जिसपे हम अलग से चर्चा करेंगे। यहाँ पर हम UTR नंबर को इन दोनों के रिगार्डिंग, इन दोनों के रेफरेंस में जो है देखने का प्रयास करते हैं। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर और रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, NEFT और RTGS के माध्यम से जब एक बैंक के द्वारा दूसरे बैंक के में या दूसरे खाते में धनराशि को अंतरित की जाती है, अमाउंट या फंड को ट्रांसफर किया जाता है, तो वहां पर एक यूनिक नंबर जनरेट होता है और वो नंबर UTR कहलाता है। यह अपने प्रकार का एक यूनिक नंबर होता है जो कि केवल उसी प्रकार के फंड ट्रांसफर के लिए जनरेट होता है, वह नंबर किसी और ट्रांजेक्शन के लिए नहीं हो सकता, इसीलिए उसको यूनिक नाम दिया गया है यानी कि यूनिक ट्रांजेक्शन रेफरेंस नंबर। यूनिक ट्रांजेक्शन रेफरेंस नंबर RTGS और NEFT इन दोनों माध्यम से जब मनी को ट्रांसफर किया जाता है तो वहां पर जो एक यूनिक रेफरेंस जनरेट होता है उसे UTR नंबर के नाम से जाना जाता है। NEFT के संदर्भ में ये बातें हैं कि यह 16 अंकों का और RTGS ये 22 अंकों का एक कोड होता है। ये 16 अंकों का और ये 22 अंकों का कोड होता है। NEFT जो है ये धन को, अमाउंट को बैच के माध्यम से ट्रांसफर करता है, इसलिए ये रियल टाइम ट्रांसफर नहीं कहलाता है, जबकि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट में तत्काल समस्त अकाउंट सेटल होता है, इसीलिए इसको रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रियल टाइम का मतलब उसी समय पर, ग्रॉस सेटलमेंट का मतलब संपूर्ण धनराशि जिसका की ट्रांसफर किया जा रहा है तत्काल उसी समय पर सेटल हो जाता है, इसीलिए इसे रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट कहा जाता है। और ये 22 अंकों का जनरेट, इसमें UTR नंबर जनरेट होता है और NEFT में वहीं पर 16 अंकों का UTR नंबर जनरेट होता है। तो इस तरीके से भारत में नेट बैंकिंग के क्षेत्र में जब हम NEFT और RTGS के माध्यम से धनराशि अंतरित करते हैं तो उस अंतरण के सापेक्ष एक विशिष्ट प्रकार का यूनिक कोड जारी होता है जिसे UTR कोड कहा जाता है। UTR के माध्यम से हम अपने ट्रांजेक्शन के स्टेटस और उसकी स्थिति को जान सकते हैं, उसके बारे में किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम अगर होती है तो हम उसको ट्रेस कर सकते हैं, इसलिए UTR नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण नंबर होता है जो हमारी फाइनेंशियल एक्टिविटी में दिन प्रतिदिन में प्रयोग में लाई जाती है। तीसरी जो व्यवस्था है वो UPI है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस।
यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस हाल फिलहाल में सबसे बाद में जो है विकसित की गई जो एक तकनीक है जो रियल टाइम पेमेंट सिस्टम पर काम करता है और इसे NPCI के द्वारा नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा विकसित किया गया है और ये बेसिकली जो है डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने में ये महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। वर्तमान समय में NPCI के द्वारा एक महत्वपूर्ण ऐप जारी किया गया है जिसे भीम ऐप के नाम से भी जाना जाता है और भीम का पूरा नाम भारत इंटरफेस फॉर मनी के नाम से जाना जाता है। इसका पूरा नाम भारत इंटरफेस फॉर मनी है और इसे NPCI के द्वारा जारी किया गया है जो कि सामान्यतः हम लोग मोबाइल ऐप के माध्यम से कार्य करते हैं और ये भीम ऐप जो है वो UPI के तकनीक पर आधारित होता है और जिसे NPCI के द्वारा विकसित किया गया है। तो इस तरीके से यहाँ पर आज के इस संक्षिप्त वीडियो में हम लोगों ने आर्थिक क्षेत्र में व्यवहारिक स्तर पर विभिन्न प्रकार के लेन देन के संदर्भ में कुछ संक्षिप्त शब्दावलियों के बारे में चर्चा किया और व्यवहार में प्रयोग होने वाले कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को प्राप्त किया। तो आज का ये संक्षिप्त वीडियो समझ की सीढ़ी प्लेलिस्ट के अंतर्गत था और यहीं तक है। पूरा हम अगले संक्षिप्त वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।